शराब इश्क नहीं बदली पर जाम बदलते रहते हैं, शराब इश्क नहीं बदली पर जाम बदलते रहते हैं, साकी की नवाजिश जारी है मेहमान बदलते रहते हैं, सदा हक का आलम लहराता है पर हाथ बदलते रहते हैं, हालात से लड़कर जी लेना हक वालों की ये आदत है, हालात की तू तकलीद न कर हालात बदलते रहते हैं, कल तक था जो सोच जिगर और दर्द जिगर आज भी है, है काम वही पैगाम वही अंदाज वही आवाज वही दस्तार वही बस नाम बदलते रहते हैं, तशरीफ ला रहे हैं शहजादा अहले सुन्नत इब्ने जबल इस्तकामत मुजहदे इस्लाम कायद इब्ने कायद जर्नैल इब्ने जर्नैल हजरत मौलाना मोहम्मद मुआविया आजम तारिक साहब, नारे तकबीर नारे तकबीर राजदारे खत्मे नबूवत अज़मत ए सहाबा नौजवान आजम तारिक हजरत मौलाना मोहम्मद मुआविया आजम। الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں بلند آواز اور بلند آواز اور بلند آواز اور بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جتنی بھی گفتگو ہو امکان ہے کہ قبولیت کے درجے تک پہنچے امکان ہے کہ نہ پہنچے لیکن درود پاک قبولیت کے درجے تک ضرور پہنچے گا اس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں سبحان اللہ اس لیے جس چیز کا اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے 100% کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے دربار میں قبول ہے اس کو پڑھنے میں جو آواز خرچ ہو جو سانس خرچ ہو جو وقت خرچ ہو جو لمحہ خرچ ہو اس سے مبارک لمحہ سعادت اور کسی شے میں ہو سکتی ہی نہیں ہے اور وہ ایک شے جس کا نام درود پاک ہے تو اتنا مجمع ہے درود پاک پڑھنے میں
आवाज का कंजूसी से इस्तेमाल न किया करें। मुनासिब है कि एक मरतबा फिर बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामिन मुहतरम, मैंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अकलमंदों के लिए हमने निशानियां रखी हैं। और कहाँ रखी हैं? अल्लाह कहता है कि आसमान में निशानियां अकल वालों के लिए मौजूद हैं, ज़मीन में निशानियां अकल वालों के लिए मौजूद हैं। मैंने कहा या अल्लाह, अकल वालों के लिए निशानियां आसमान में ज़मीन में। कुरान कहता है सिर्फ अकल को थोड़ा सा इस्तेमाल करो और आसमान पर नज़र डालो, सारी निशानियां खुद बोलती चली जाएगी। आसमान पर नज़र डाली कुरान मजीद की आयत करीमा ने, जब आसमान की तरफ निगाह ले जाने को कहा तो हम आसमान की तरफ निगाह ले गए। वहाँ हमें एक बड़ी नीली छत नज़र आई जिसके नीचे सुतून कोई नहीं था। वहाँ हमें एक सूरज नज़र आया जो किसी फलकियात के इल्म रखने वाले से पूछा तो उसने बताया ये ज़मीन से लाखों गुना बड़ा है। आसमान पर निगाह डाली तो नज़र आया कि चमकने वाला चांद है जिसके इर्द गिर्द कोई संगल और रस्सा नहीं, किसी गैबी हाथ ने उसको थाम रखा है। आसमान पर निगाह डाली तो नजर आया कि बादल का एक बड़ा टुकड़ा है जो जहाज से ज्यादा बड़ा है और उसके अंदर वजन जहाज की सवारियों से ज्यादा है और वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहा है। जहाज का इंजन शोर करके गुजरता है और ये उससे बड़ा और उससे वजनी टुकड़ा खामोशी से गुजर जाता है और रब इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बरसा देता है। आसमान पर नजर डाली तो नजर आया कि जब अल्लाह इस आसमान और जमीन के दरमियान हवाएं चलाता है, बंदे कोशिश कर दें ते एक कमरा ठंडा हो जावे ते आ दिन वेखो साइंस केडी तरक्की कीती है, बाहर जनाब अग लगी हुई है ते अंदर एसी पे चलता है ते ठंड हो गई है। अल्लाह कहता है कि तुम इसको देखकर साइंस की इजाद पर हैरान होते हो, जरा गौर तो करो, जब हम ठंडी हवाएं चलाएं तो एसी पूरे ही नहीं आ सकते, जब हम ठंडी हवाएं चलाएं तो पंखे वहां तक रुक जाते हैं, जब हमारी कुदरत का पंखा चले तो पंखों की एसियों की कोई औकात ही नहीं है। अल्लाह कहता है देखते चले जाओ कैसे हमने इस जमीन को बनाया कि इस जमीन पे नजर दौड़ाओगे तो नजर आएगा। पौधे लगे हुए, दरख्त लगे हुए और ये कैसे फल फूल दे रहे हैं। तुम तो इसमें दाना डाल के घर आ गए, रात को हवा लोरियां सुनाती है इस दाने को पालने के लिए, तुम तो इसको लगा के घर आ गए। पानी अगर हम न दें तो माँ के पेट से तुम लेके थोड़ी आए थे, तुम तो इसको डाल के वापस घर आ गए। अगर जमीन को इसकी जड़ लगाने की हुक्म हम न देते तो तुम तो न लगा सकते थे। तो जमीन पर जड़ लगी, पौधे लगे और फिर देखते चले जाओ कैसे बाग बने, कैसे बहार बने, कैसे फूल आए, कैसे फल आए, कैसे खुशबुएं आई। और इसकी बुनियाद पर गौर करो, हर पौधा जमीन पर लगता है, ऐसा नहीं कि कोई पौधा बादलों में लगता है, हर पौधा जमीन पर लगता है, ऐसा नहीं कि कोई पौधा सितारों पर लगता है, जमीन पर ही पौधा लगता है। किसी का फल मीठा है, किसी का फल कड़वा है,
लगते जमीन पर है, और जो पानी सबको लगता है वो पानी ऐसा नहीं कि कड़वे को कड़वा पानी लगे, मीठे को मीठा पानी लगे, ऐसा नहीं कि गंदम को जो पानी लगे वो और है, बाजरे को जो पानी लगे वो और है, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि पानी का जायका भी एक है, पानी का रंग भी एक है, और पानी जिस जमीन पे गुजर के जाता है वो जमीन भी एक है, और अल्लाह ने इस जमीन को ये शऊर दे दिया, अल्लाह ने उस छोटे से दाने को ये शऊर दे दिया, इस गल ते तवज्जो करे आए, अल्लाह ने दाने को कितना शऊर दे दिया, दाना भुलदा नहीं कि मेरे उत्ते फल केड़ा लगना है तो दुआ ला पवे, दाना भुलदा नहीं कि मैं गंदम बनना है, दाना भुलदा नहीं मैं बाजरा बनना है ते भूलते गंदम मर जावे, ना ना, जिसको अल्लाह ने जो बना दिया उस पे वही निकलता है, उसी जमीन से निकलता है, कहीं से मीठा निकला, कहीं से कड़वा निकला, कहीं से लाल पौधा निकला, कहीं से हरा निकला, किसी का फल खट्टा हुआ, किसी का फल मीठा हुआ, किसी के पौधे का रंग कैसा, किसी की खुशबू कैसी, किसी के पत्ते का रंग कैसा, किसी का कैसा, इन सारी चीजों को एक ही सूरज पाल रहा है, एक ही जमीन में जड़े हैं, एक ही पानी लग रहा है, लेकिन रब की कुदरों को देखो, सेब निकला तो मीठा निकला, अनार निकला तो खट्टा निकला, अल्लाह की ये सारी कुदरतें, अल्लाह कहता जमीन को देख लिया ना, आसमान को देख लिया ना, सारा देखने के बाद अब इसमें निशानियां हैं, मैंने कहा या अल्लाह निशानी क्या है, याद रखिए निशानी कई तरह दियां, लेकिन एक निशानी वो होती है जिस नूं वेख ते बंदा मंजिल ते पहुंच जावे, मकसद की होता है, बंदे राह दसदे जनाब कोने ते बेरी दा दरख्त होएगा, ए निशानी ज़हन च रखनी है, उत्थों तुसा मुड़ के अग्गा आ जावना है, अग्गा मस्जिद है, मस्जिद तो तुसा सजे हो जावना है, उत्थों थोड़ा जिहा अग्गे जाओगे उत्थे तुहानूं टूवल नजर आएगा, उस तो किसी नूं पुछ लेना मेरा घर तुहानूं मिल जाएगा, ए उल्टा ली की है, ए निशानी है, ए मस्जिद की है, ए निशानी है, ए राह दे विच लगी हुई मेरी की है, ए ट्यूबल की है, ए निशानी है, रब आखदा है आसमान वेखो, नीली छत आला आसमान होवे या चमकदा होया सूरज होवे या चंद ते सितारे होवे या बिछी हुई जमीन होवे और उस दे उत्ते निकले हुए बूटे ते फसलां ते बागात होवे, किसे निशानी ते गौर करो तुहानू बां तू फट ते मेरे ते लाया, किसे एक निशानी नू मिलो, किसे एक निशानी ते गौर करो, आसमान की निशानियां हो तो रब का पता बताएंगी, जमीन की निशानियां हो रब का पता बताएंगी, दरमियान में चलने वाली हवाएं हो रब का पता बताएंगी, दौड़ने वाला बादल हो रब का पता बताएगा, उगने वाले बागात हो रब का पता बताएंगे, और ऐसा नहीं जैसे कोई चीज बनाकर छोड़ दी जाती है, मिसाल के तौर पर लाहौर जैसे ले वेंदे हो उस सिले दे बादशाहां दे बने हुए महल्लात अजे तो ही मौजूद है नहीं, या कोई ना वेखे हो लाहौर कहीं कहीं वेखे हो माशा, हुण तो जरा मुहावरे घट गए चूंकि बंदे नूं मोबाइल दी मसरूफियत बड़ी है, पहले बंदे के आदे जे लाहौर नहीं वेख्या, ये पहले बंदे आदे हैं, हुण बाबू किस्म के बच्चे आ गए, इन्हां दे कोल्टा च मोबाइल हैं, इन्हां दीआं कहावतां ही अंग्रेजी हैं, ये पहले देसी बंदे दीआं कहावतां होंदीआं, वो बंदे शायद तां आदे हैं भई लाहौर नहीं वेख्या जमना है, भई लाहौर सुथरा है, मैं हूं लाहौर जावन की लोड़ कोई नहीं, जाए मेरे शहर जंग नहीं वेखे वो जमे हूँ, शुक्र अलहमदुल्ला लाहौर के सोने रंग इत लगे पे, हूँ डिवीजन तहरीक जी चलती रहती है इस नारे दे जान आ गई है कि हूँ ये डिवीजन बन सकता है, पहले गल करते ऐसे बंदे आते हैं हस्पताल तुहाडे कोल कोई नहीं, यूनिवर्सिटी तुहाडे कोल कोई नहीं, सेवरेज का पानी जगह जगह ते नजर आंदा है, डबल रोड तुहाडे कोई नहीं, इंडस्ट्री तुहाडे कोल कोई नहीं, और डिवीजन का नारा चाई वधे हो खैर है तुहाडे अजे बुनियादी कवायफ पूरे कोई नहीं, हुण साडे जंग का हर बंदा गल करता है वह आता जनाब यूनिवर्सिटी साडे कोल, हस्पताल 400 बेड का साढ़े को 200 बेड का अलहमदुल्ला मुआविया आजम तारिक इजाफा करा देता है, 200 बेड का हस्पताल मजीद बनने के नाल 400 बेड तो ज़्यादा का हस्पताल साढ़े को मेडिकल कॉलेज साढ़े बच्चों को मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, हूँ साढ़ा राइट बनता है, शहर दिया तमाम सड़क दुराया हो चुकी हैं, ग्रीन बेल्ट बन चुके हैं, चौकों से वेखो बिलाले हबशी चौक बन चुके हैं, खत्म नबूवत चौक बन चुके हैं,
ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਇਬਤਦਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਮਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। आप बुजुर्गों भाइयों की दुआओं से बनेगा और बन कर रहेगा इंशाअल्लाह। गल होती पई कि जमीन अल वेखो तो कौन दिसदा है, बोलो आसमान अल वेखो तो कौन दिसदा है, बदना अल वेखो तो कौन दिसदा है, उसदे वेखो तो कौन दिसदा है, रब नजर आंदा है। मैंने कहा या अल्लाह हर जगह आप ही आप है, निशानियां है। अल्लाह कहता है जे बंद ना करना हो आसमान ते जमीन दा पंध ना करना होवे अवलम यतफक्करु फी अनफुसिहिम, अपना पिंडा वेखो तुहानू मैं उत्थों लभ जावांगा। अनफुसिहिम अपने आप को देखो, यहां मिल जाऊंगा। मैंने कहा या अल्लाह यहां कैसे मिलोगे, अल्लाह कहता गौर नहीं कर दे, एक बंदे दा रंग दुए नाल नहीं रलदा, एक दी आवाज दुए नाल नहीं रलदी, एक बंदे दे फिंगर प्रिंट आए अंगूठे दे निशान दुए नाल नहीं रलदे, एक बंदे दी सोच दुए नाल नहीं रलदी, एक बंदे दी अखां दीआं पुतलियां दुए नाल नहीं रलदियां। इह तां अज साइंस कंप्यूटर पई दसदी ए, पहले खोजी दसेंदे आ एक दा टोरा दुए नाल नहीं रलदा। रलदा है तुसी चूंकि उशा के साहबा बैठे हो, मैं इस नुकते तू एक नुकता समझा के दोबारा तौहीद वाले मौजू ते आवांगा। जे तेरा मेरा टोरा किसे दूए दे नाल नहीं रलदा ते सोने साहबा दा टोरा भी कहे दे नाल नहीं रलदा। टोरे च फर्क है, हमें हमारे बाप ने चलना सिखाया, किसी को किसी के दादे ने चलना सिखाया, और लोगों सहाबा वो हैं जिनको उंगली पकड़ के मेरे मोहम्मद ने चलना सिखाया है। सहाबा वो हैं जिनको पाक पैगंबर ने चलना सिखाया। कुरान मजीद कहता है गौर करो अपने अंदर, फिंगरप्रिंट न मिलेंगे, आवाज नहीं मिलेगी, अंदाज नहीं मिलेगा, सोच नहीं मिलेगी, हर शय वखरी वखरी। ए नहीं हो गया कि जमीन ते आसमान बना के रब ने हुण उनू छड़ दिता है, जिवें मुगलिया बादशाह आए महल्लात बनाए, बनावण तो बाद चले गए, बादशाह हुण उत्थे कोई नहीं लेकिन महल मौजूद है। अल्लाह आखदा ए ना सोचना कि आसमान मौजूद है ते रब कोई नहीं, जमीन मौजूद है ते रब कोई नहीं, बदल मौजूद है ते रब कोई नहीं। रब है रोजाना दी बुनियाद ते, अगर रब दियां कुदरतां वेखणियां होवण अपने जिस्मां ते गौर करो, अपनियां औलादां दे जिस्मां ते गौर करो। ये नहीं भी रब आसमान बनाया ते हजारां सालां तों बने होया है, रब जमीन बनाई है ते हजारां सालां तों बनी हुई है। हुण जनाब वो पुरानियां गल्लां दस दस ते दस दस ते बंदे नूं रब वाले पासे लई जांदे। रब आखदा नहीं सिर्फ पुरानिया नहीं, आज दा जमे होया बच्चा वेखो पिछलियां दे नाल नहीं रलदा। पुरानिया गल्लां नहीं, आज वेखना होवे ते आज आले दी शक्ल पिछलियां नाल नहीं रलदी, अज आले दा फिंगर प्रिंट नहीं रलदा। इस तू ये गल समझ जाओ कि ये नहीं भी उस बना के छोड़ दिता है, आज भी उसका हर शय ते पूरा कब्जा मौजूद है। मौजूद है या नहीं मौजूद? इस तू अगली गल, अगर किसी को ये लगता है कि रब ने आसमान बनाया, रब ने जमीन बनाया और बनाकर रब ने अब छोड़ दिया, जिमें पिछले महल्लात वे देन लेकिन बादशाह मौजूद कोई नहीं। कुरान मजीद क्या कहता है, कहता है इन फी खल्क समावाती वल अर्दी वख्तिलाफ लैल वन नहार। कुरान मजीद आखदा है सिर्फ आसमान ते जमीन न वेखो, दिन और रात का बदलना भी देखो। दिन और रात के बदलने में कुरान कहता है निशानियां। मैं कह या अल्लाह दिन ते रात दे बदलने च केड़ियां निशानियां हैं? मैं अपने अंदाज नाल कुरान मजीद दी तशरीह करदा। दिन ते रात बदलने दे विच ए तशरीह ते तर्जमा है कि अमरीका राल ते अड्डी छोटी दा जोर लाए दिन नूं रात नहीं कर सकदा। सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी रल जाए
रात नूं दिन नहीं कर सकदी, सारी दुनिया दी ताकत इकट्ठी हो जावे, दिन को रात ना कर सके, रात को दिन ना कर सके। अल्लाह ने आसमान और जमीन को बनाकर निशानियों की तरफ अकलमंद बंदे को मुतवज्जे करवा के बता दिया, ऐ बंदे ये ना समझना बात खत्म हो गई, बात जारी है। आज भी रात को रब लाता है, दिन को रब लाता है, और जहन में रखना यही दिन और रात है जिसने तुझे बचपन से जवान किया, जवान से बूढ़ा किया। कोई बुजुर्ग अगर दसता है कि जनाब हूं तो मैं बिल्कुल पिछला पारा जी की हो गया जी, जेने मैं 80 साल का हो गया, ये 80 साल का अंदाजा इस बुजुर्ग किमें कढ़िया है, दिन ते रात तू कढ़िया है, दिन रात एक वेरी गुजरिया ते आख्या जी बच्चा एक दिन का, 360 वेरी गुजरिया ते बच्चा 360 दिन, 2 वेरी गुजर गए ते बच्चा 360 दिन, 10 वेरी गुजर गए ते बच्चा। अंग्रेजी का होवे ते 365 दिन हैं, ते अरबी का होवे ते 10 दिन घट हैं, ये 365 दिन 80 वेरी गुजर जावण ते बंदा 90 दफा गुजर जावण ते बंदा, 100 दफा गुजर जावण ते, 120 दफा गुजर जावण ते बंदा धरती ते नहीं रहिंदा, धरती ते बंदा धरती ते बहुत घट। तुसीं किते सुणिया होगा भी बंदा 120 साल का है, नहीं, कुरान कहता है गौर करो, अगर ये दिन और रात निकले और डूबते रहे, तुम पैदा हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, कब्र तक पहुंचे और मर गए। अब सोचो जिस तरह दिन और रात ने तुम्हारी मौत को करीब कर दिया और तुम मर गए, इसी तरह दिन और रात के बदलने से एक दिन अल्लाह इस जहान को भी मौत देगा और कयामत आ जाएगा। रब्बना मा खलकता हादा बातिला, अल्लाह दी निशानियां वेखण तो बाद बंदा पता की जाता है, या अल्लाह ये सारा कुछ तू एवें तो पैदा नहीं कीता, ये एवें ही पैदा हो गया, तमाशा वास्ते हो गया, खेल कूद के लिए हुआ है, लहवो लाभ के लिए हुआ है, नहीं हुआ, यहाँ पे कनाते लगी, यहाँ पे स्टेज लगा, यहाँ पे स्पीकर लगा, यहाँ मदरसार भी या फैजुल कुरान में जलसा हुआ, इस सारा कुछ करण दा एक मकसद है, और मकसद की है आज दा, आज दे प्रोग्राम दा मकसद, आज सारी जड़ी तरतीब दी गई, स्टेज बनाया है, पिंडाल बनाया है, कनाता लवाइयां, तंबू लगन, माइक लगा है, इस पूरे दा मकसद है भी इत्थे जलसा होना, की मकसद है, की मकसद है, अगर जलसा ना होना होवे, कनाता लग जावे, स्पीकर लग जावे, तंबू लग जावे, कोई मकसद ही नहीं, त्राएदे हो गए लगे हुए, पाएदे हो गए लगे हुए, सातदे हो गए, महीना गुजर गया, बंदे कुछ दिन भाई कह लवाए, कदी जिंदगी सुने किसी बंदे आखे होवे उंजे लवाए, वो बंदा तुहानू मिलिया, मिलिया तुहानू, लेकिन हद नहीं मुक गई, एक तंबू उंजे नहीं लगता, सिर्फ स्टेज उंजे नहीं बनता, सिर्फ माइक उंजे नहीं लगता, लेकिन इतने साए बंदे बदन जेड़े आदन आसमान इंजे बने, जेड़े आदन जमीन इंजे बनी, जेड़े आदन बदल इंजे पे अवस्था, अगर तेरा एक कमरा बगैर मकसद तो नहीं बनता, तेरा एक स्टेज बगैर मकसद तो नहीं बनता, रब इतना बड़ा आसमान, इतना बड़ा निजाम बिना मकसद तो पैदा नहीं कीता। और जिस टाइम बंदे नूं ए गल समझ आ जांदी है कि या अल्लाह आसमान तेरा, जमीन तेरी, या अल्लाह फिदावां तेरियां, हवावां तेरियां, उस टाइम बंदा फिर आखदा है रब्बा एक लम्हा ना होवे जिस टाइम मेरी जबान तेरी जिक्र तो खाली हो। और कुरान मजीद बताता है जब ये एहसास पैदा हुआ कि आसमान रब का, जमीन रब, फिदाएं रब की, हवाएं रब की, उसके बाद फिर वो क्या कहता है, रब्बना मा खलकता हादा बातिलन सुबहानक फकीना अदाबन नार, रब्बा एक तत्व एवें पैदा नहीं कीता
दूसरा मैनू जहन्नम दे अजाब तू बचाई, जिस तरह एक दफा मैं जिंदगी पूरी करके दुनिया तू जांदा पिया, बिल्कुल इसे तरीके नाल इस जहान नू मौत आएगी और वो दिन कयामत दा होएगा और उस दिन रब मैनू तुहानू सारयां नू अग दे अजाब तू बचाए। बुलंद आवाज नाल होर बुलंद आवाज नाल। लेकिन यह एहसास पैदा होने तो बाद बंदे की कैफियत की होंगी है? कुरान आखदा है अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामा, कैफियत हो जाती है बंदा अगर खड़ा होवे तो रब का जिक्र करता है, वक़ूदं वाला जुनूबिहिम अगर बैठे हुए होवे तो रब का जिक्र करता है, अगर लेटे हुए होवे तो रब का जिक्र करता है, और फिर गौर करता है जमीन और आसमान से बंदे किसी के रईयत बैठे हुए होवन तो जिसकी रईयत होवन उस तो सिवा होर तो किदाई नहीं बेंदे, जिसकी रईयत होवन उस तो भी सिवा होर तो किसी की गल नहीं करते। जेड़े बंदे अल्लाह का खा के अल्लाह अल्लाह तो लाए के दिया रब देवे, पुत्र रब देवे, मी रब वसाए और जनाब मुख्तलिफ मुनाफे अपने पेट च लै जावे, सारी जिंदगी बकरी शोधी घा खावे ते तैनू को के गोश खवा छोड़े, सारी जिंदगी वो मक्खी बेचारी फुलां तू ते फलां तू शहद इकट्ठा करे तो उस तो बाद कई हजार लीटर वो जनाब शहद तुहाडे वास्ते दस्तियाब हो जावे, वो सारे अपनी अपनी ड्यूटी पे कर दें। ये जेड़ा गोश्त खावन वाला, शहद पीवन वाला, ये कपड़े पावन वाला, ये जनाब मुख्तलिफ अनवाओ अकसाम दे लजीज खाने खावन वाला, रब अर्शन तो बह के इनू आखदा है कोई गल नहीं, मेरी तो सारी कायनात है, तू टोर अपनी मर्जी का टोरा, घड़े की मच्छी है कितों ताई कितों ताई जावना ही नहीं। इस वास्ते आई दे इस जलसे का पैगाम यह है अल्लाह दे नाल सुलह करो, अल्लाह दे नाल सुलह करो, गुनाहों तो तौबा करो, गुनाहों तो तौबा, अल्लाह दे नाल सुलह, और रब दी मन के बंदा गुजारे, रब दी जमीन ते रब दे हुकम तू खिलाफ ना करे, और रब दी जमीन ते रब नू सब तो ज्यादा उठन वाला वो कदम पसंद है जेड़ा रब दे कलमाए तौहीद वास्ते होवे, तो सोने मोहम्मद दी रिसालत वास्ते होवे, सहाबा ते अहले बैत दी नौकरी वास्ते होवे, कुरान वास्ते होवे, इस्लाम वास्ते होवे, तय कर लो जितनी देर रब दी जमीन ते रहना हुजूर दी खत्मे नबूवत दे नारे लंबे रहे लगते रास्ते नहीं कोई ना। मैं अजकल तकरीर च एक मिसाल देना, जिस टाइम तुम रात समझते हो सिर हेठ सिराणा क्यों रखते हो, क्यों रखते हो दसो, जेडे खामोश ने ना तो कभी नहीं रखे, भाई क्यों रखते हो सिराणा, आदन जी सिर उच्चा रवे, जे एक रात सिराणा तुहाडे सिर हेठ ना हो त्राए दे जागदे हुए क्यों आंदा, अगर एक रात सर झुक गया वो भी नींद में जागते हुए नहीं तो हफ्ते में तीन दिन खराब गुजरे, जड़िया नस्लां सिर झुका के जींदियां पईयां होवन उन्हां दा बेड़ा गरक नहीं होना, तो की होना है। कुरान को पढ़ो, कुरान की कोई एक आयत ऐसी नहीं है जिसमें उसने हमें सर झुका के जीना सिखाया हो, कुरान कहते हैं सर उठा के जियो, ये सर झुकेगा तो रब के दरवाजे पे झुकेगा। हुजूर दा सहाबी एक बादशाह दे दरबार च दाखिल होया और किस शान से दाखिल हुआ, घोड़े की लगाम पकड़ी हुई और नेजा हाथ में, घोड़ा आगे आगे जा रहा है और ये नेजे को जमीन पर रखता है और बादशाह का खूबसूरत रेशमी कालीन फटता चला जाता है, गुजरते गुजरते बादशाह के तख्त के करीब पहुंचा और बादशाह के तख्त पर नेजे को गाड़ कर उससे घोड़े को बांध कर तख्त पर उसके बराबर बैठ के कहते हैं हूं गल कर जड़ी करनी है। ये वो लोग कह सकते हैं जिन्हें दिल सिवाय रब तो किसी का खौफ ना हो, अमरीका का खौफ दिल में बिठाने वालों, यहूदियों का खौफ दिल में बिठाने वालों, इज्जत चाहते हो तो मस्जिद अक्सा के साथ खड़े हो जाओ, इज्जत चाहते हो बैतुल मुकद्दस के साथ खड़े हो जाओ,
इज्जत चाहते हो अंबिया की सरजमीन के साथ खड़े हो जाओ। मैं कसम खा के कहता हूं इस मौका पर जो बंदा बैतुल मुकद्दस के साथ खड़ा हो गया रब दुनिया में भी इज्जतें अता करेगा आखिरत में भी इज्जतें अता करेगा। आदि जी साढ़े को असला थोड़ा है असि कि जा सकते हैं। मैं आखिर जेडे मामा के पोत्र गाए वो चौखा ले बदे मोमिन कदी असले दे भरोसे ते नहीं मोमिन जदन ही कदम चाहिंदा ईमान दे भरोसे ते चाहिंदा रब दे भरोसे ते चाहिंदा। जरूरी है सर उठा के चलना जाने जरूरी है कुरान को मानना जाने जरूरी है जमीन पर चलने वाला अपने रब को पहचाने जरूरी है जमीन पर चलने वाला बदर में उतरने वाले 313 को पहचाने जरूरी है जमीन पर रहने वाला हबशे के काले बिलाल को पहचाने। अपनी औलादों को कुरान के दर्स पढ़ाओ अपनी औलादों को रब की तौहीद बताओ अपनी औलादों को मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत सिखाओ अपनी नस्लों को कलमे के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान की मोहब्बत बताओ और पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना पाकिस्तान के अंदर अमन सलामती इस्तेहकाम के लिए तैयार करो। करीबन 10 दिन पहले पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में इजलास बुलाया उस इजलास में मुझे खुसूसी तौर पर शिरकत की दावत दी गई वहां पर और भी गुफ्तगू हुई जनरल साहब ने जो बात वहां पर कही जिससे बहुत इत्मीनान हुआ उन्होंने कहा याद रखें हम इस मुल्क को सेकुलर का पाकिस्तान नहीं यह मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इंशाल्लाह ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बुनियाद पर रहकर आगे बढ़ेगा। नारे तकबीर पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या फलस्तीनियों से रिश्ता क्या मस्जिद अक्सा से रिश्ता क्या तेरा मेरा रिश्ता क्या। जबान से बोलना ये ईमान का आखिरी दर्जा है तुसा तोड़ नहीं जा सकते फलस्तीन वास्ते नारा लगे जबान नाल जवाब तो दे सकते हो टिब्बा गेली वाले इस तू भी रह गए हो फलस्तीनियों से रिश्ता क्या फलस्तीनियों से रिश्ता क्या मस्जिद अक्सा से रिश्ता क्या मस्जिद अक्सा की आजादी तक जंग रहेगी जंग मस्जिद अक्सा की आजादी तक इसराइल की बर्बादी तक इसराइल की बर्बादी तक। बेदार रहोगे तुहाडे चो कौन कौन बंदा यह चाहता है कि इसराइल के खिलाफ ते मस्जिद अक्सा की हिमायत दे विच पाकिस्तानी फौजां बैतुल मुकद्दस के वेड़े दे विच जावें जेडे चाहते हो हाथ चाहो जरा सारे चाहते हो जदा कर ला ये दसो भी टिब्बा गेली दे विच खलो कि मैं तकरीर करा ता फौज बैतुल मुकद्दस की हिफाजत वास्ते जाएगी या इस इलाके चू वोट लाए थे जेड़ा एमएनए असेंबली दे विच खलो के गल करे ता जाएगी। डॉक्टर राफिया चाहते हो घर आवे कौन कौन चाहते हो डॉक्टर राफिया कौम की बेटी है घर आवे सारे चाहते हो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अगर जदा कला डॉक्टर आफिया सदीकी टिब्बा गेली जलसा करके घर आएगी या कौमी असेंबली दे विच कोई बंदा आवाज उठाए ते तां उसके असार पैदा हो सके बोलो हाँ तो फिर मैं क्या कहूँ जिसलिए वोटर का टाइम आता है तुहानू अबू बकर सिद्दीक की बेटी आफिया सदीकी भूल जाएगी 100 फुट का इट्टा का 100 लंग याद रह जाएगा जिस टाइम कौमी असेंबली दे विच बंदा भेजन का टाइम आएगा उस टाइम तुहानू मस्जिद अक्सा दे शहदा भूल वैसे ने उसने तुहानू याद आना है ते दो बिजली दे खंभे उसने तुहानू याद आवनी ते अपने पुत्र दी चपड़ासी दी नौकरी अगर चपड़ासी दियां नौकरियां याद रखनियां दो बिजली दे खंभे याद रखने 100 फुट इट्टां दा टोटा ते 100 लंग याद रखना है
याद रखो कयामत के दिन जहां आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले में और फलस्तीन के मामले में बहानेबाज खड़े होंगे, वहीं पर टिब्बा गेली वालों आप भी खड़े होंगे। गूंगों को असेंबली में क्यों भेजते हो, बोलने वालों को असेंबली में भेजो। हम जुर्रतमंद लोग हैं, हम बुजदिल लोग नहीं हैं। और जुर्रतमंद लोगों के नुमाइंदे जुर्रतमंद होते हैं, बेगैरत नहीं होते। बोलने वाले बंदे असेंबलियों के बीच होने चाहिए या कोई ना होने चाहिए या कोई ना होने चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये तवक्को करूंगा 8 फरवरी को कौमी और सूबाई असेंबली में आपने ये नहीं देखना कौम क्या है, कबीला क्या है, रिश्तेदार है या गैर रिश्तेदार है, ये देखना है ये बंदा हुजूर की आबरू पे बोल सकता है या नहीं बोल सकता, ये बंदा फलस्तीन के लिए बात कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बंदा आफिया सिद्दीकी के लिए बोल सकता है या नहीं बोल सकता। जो आफिया सिद्दीकी की आवाज बने उसकी आवाज बनोगे, जो फलस्तीन की आवाज बने उसकी आवाज बनोगे, जो बैतुल मुकद्दस की आवाज बने उसको सपोर्ट करोगे, उसको वोट करोगे। और अगली गल बंदे आदिल मौलाना साहब ए तो फलस्तीन दे ते नमू से रिसालत दे ना ते वोट दे दिसाएं, दुनियादारी भी तो होंदी है, तो दुनियादारी का फिर की इलाज है? बच्चियां वास्ते स्कूल भी चाहिए, हस्पताल भी चाहिए, डिस्पेंसरियां भी चाहिए, तो दुनियादारी का की होएगा? मैं ख्याल अलहमदुल्ला 2018 तो लैके 4 साल तक असेंबली दे विच मैं हजूर की आबरू की गल करता रहा, सहाबा अहले बैत की नौकरी की है, हुजूर दी खत्मे नबूवत सहाबा अहले बैत दी नामूस दे नाल पाकिस्तान दे अंदर अमन सलामती तामीर और तरक्की और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दी रिहाई वास्ते फलस्तीन दे मजलूमा वास्ते कश्मीर दे मजलूमा वास्ते आवाज उठाइए। गल दुनियादारी दी करदे हो, बिस्मिल्ला मेरी असेंबली वालियां तकरीरां ही सुन लो ते जंग शहर दा मेरा हलका ही आ वेखो। आखिरी 6 महीनों दे विच तुहाडे चो किसे बंदे दा शहर चक्कर लगा ते हाथ चाहे आखिरी 6 महीनों दे विच माशाल्लाह ये जेड़े बंदे आखिरी 6 महीने दे विच जंग शहर च हो आए सिवाय बुजुर्गों तू बाकी अपनी अपनी जगह ते खलो जाओ, जरा खलो जाओ, खलो जाओ, खलो जाओ। माशाल्लाह तुसी सारे आखिरी 6 महीने दे विच जंग आए हो, इस तू पहले ही वेंदे आए, हुण कोई जंग है तुहानूं फर्क महसूस होया है? जेड़े हो आए हो वेखो सड़कां दा कोई फर्क महसूस होया है? हस्पताल नवे नजर आए, यूनिवर्सिटियां नवीं नजर आईयां। अलहमदुलिल्लाह हमने पहले जंग शहर को बदला था, अब हम सारा जंग बदलेंगे इंशाअल्लाह। दीन दे अलम बरदार नू कामयाब करके असेंबली ते पहुंचाओ, दुनियादारियों नू मैं जैसे कही सा वो कोई मसला नहीं, तुहाडे स्कूल पूरे हो जासे, तुहाडियां डिस्पेंसरियां, तुहाडे सोलंग नालियां हस्पताल, तुहाडे बेटियां और बेटियां वास्ते स्कूल। अलहमदुलिल्लाह अगर आजम तारिक दा बेटा यूनिवर्सिटी बना गया तुहाडे स्कूलां च असां पिछा नहीं रहिंदे, लेकिन अपने किरदार पसंद और अपने दीन पसंद बेहतरीन गल करन वाले नुमाइंदे असेंबलियां दे अंदर भेजोगे इंशाअल्लाह। और इस वास्ते तुसां कंपेन दा आगाज किसे दे आखण दा इंतजार नहीं करना, टुर पवो ते इंशाअल्लाह 9 फरवरी ते मुलाकात हो। मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, काम करोगे, जंग की तामीर और तरक्की के लिए आगे बढ़ोगे, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए आगे बढ़ोगे, खत्म नबूवत के नारे लगाते रहोगे, सहाबा अहले बैत के नारे लगाते रहोगे। अल्लाह हम सब का हावी और नासिर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम।